Yeah, I'm Pam Vlogger. So hello guys, welcome back to new vlog. उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे. तो इंशाल्लाह आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने स्टडी की वजह से मैंने व्लॉग भी बनाना था. तो पता मैंने क्या क्या किया. तो बेसिकली आज ये चैनल मैंने नया बनाया. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें. आज का व्लॉग हम इस व्लॉग पर डाल देंगे और इंशाल्लाह व्लॉग आज का अपलोड हो जाएगा. तो इंशाल्लाह ये न्यू चैनल इसको सब्सक्राइब करें. इस चैनल का नाम यहाँ पर ब्लॉगर. तो इंशाल्लाह इसको जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आज का व्लॉग में इंटरेस्टिंग है. आज हम जाएंगे ओल्ड दुकान पर. तकरीबन मैंने सुना 40 साल पुरानी दुकान है. वहाँ से हम नाश्ता करेंगे. नाश्ता करने के बाद हमारा बहुत सारा प्लान है वहाँ का. ऐसा सब लोग पता चल जाएगा. तो आज का चलते हैं नाश्ता करते हैं. फिर हम वहाँ पर जाकर मिलते हैं आपको. तब के लिए What to buy? तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ. चने का नाम है गोगा चने वाला. तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे जरूर ट्राई कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पे चने में हुए हैं. देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पे. तो बेसिकली मैं यहाँ पे चने आपको टेस्ट कर रहा हूँ कैसे हैं. आई थिंक इसके चने अच्छे हैं. इतना टेस्ट नहीं आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. चने का नाम गोगा चने तकरीबन कृष्णा करके साइड पर आता है. तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए इंशाल्लाह. आप यहाँ पे यार कितने साल पुरानी दुकान है यार. सर 15 साल पुरानी. ये भाई बता रहे 15 साल दुकान ही पुरानी. मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पर ट्राई करना. इंशाल्लाह आप जरूर ट्राई करें क्योंकि गोगा चने वाले कृष्णा के साइड पर आता है. इंशाल्लाह आप जरूर ट्राई करें. तो वैसे मैं नाश्ता करके भी पहुँचा हूँ वहाँ पे. बहुत मज़े का नाश्ता डिलीशियस है. आप जरूर ट्राई करें वहाँ पर जाकर. तकरीबन हुए ना तो 16 से 40 साल पुरानी दुकान है. तकरीबन 15-20 साल पुरानी दुकान है. तो बहुत अच्छा खाना था यार उनका. वो उनके 2-3-4 नस्लें थी उन्होंने बैठी हुई हैं. तो बहुत डिलीशियस खाना था. नान तो बड़ा मज़े का था. नान जरूर ट्राई किया मैंने. तो उसके बाद मैंने लस्सी पी. लस्सी मैं क्रिकेट बना सका मुझे भूल गया था मैं लस्सी की वीडियो बनाने. तो वहाँ पर सामने लस्सी वाला भी बहुत मशहूर था. बहुत पेरी की लस्सी थी वो. बहुत मज़ा आया मुझे और बहुत टेस्टी था. और आप जरूर जाकर ट्राई करें. कृष्ण नगर की साइड पे आता है जहाँ पे मेन बाजार लगता है वहाँ पे जरूर आता है गोगा चने वाला. तो बहुत मज़ा आया. तो आज हमारा नाश्ते का ये सीन था. तो अभी मैं घर आया हूँ. तो घर थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि मैं सुबह का थका हुआ था. तो रात को मैं गया हुआ था शादी में दोस्त की. तो सुबह का थका हुआ. अभी मैं सुबह उठा 11-12 बजे नाश्ता किया. तो रात का भी सीन है. इंशाल्लाह रात को मिलते हैं आपको हम जाकर. रात को बहुत अच्छा सीन है. रात को हमारा मूवी का प्लान बना. मूवी देखेंगे जाके और उसके बाद नाश्ता खाया. बाइक जाके खाना खाएंगे डिनर करेंगे. तो देखते हैं क्या बनता सीन. तब के लिए वैसे मेरा भी प्लान बना है. मेरे पास जॉकेट नहीं है. तो मैं अपने जॉकेट लेने जा रहा हूँ. अभी माल की तरफ चलते हैं. वहाँ से अपने पैरों को से भूल लेते हैं. फिर रात को भी सीन है. मामा वगैरह को भी लेकर जाना है कहीं पे. तो उसके बाद रात को कुछ खाएंगे पिएंगे. तो अभी चलते हैं अपनी बाइक निकालते हैं. यहाँ से मैं अपनी बाइक निकालूंगा. तो वहाँ पर जाकर उनको मिलते हैं.
गाइस मैं अपने शूज़ लेने वहाँ पर बहुत रश था यार, मैंने इसलिए नहीं वीडियो बनाई, वहाँ पर बहुत रश था, मैं कैमरा निकालता, कभी कैमरा रखता अंदर, बैग भी रखता, तो इसलिए मैंने वहाँ वीडियो बनाई। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, घर में लाइट गई हुई है तो घर लाइट गई, मैं क्या बाहर दिखा देते हैं आपको यार, इतना क्या हुआ। तो ये बूट है मेरे, इसको अभी खोलते हैं, स्मैक्सी से यार, स्मैक्सी से मैं फिर बताऊँगा कितने के हैं, आप गैस करेंगे कितने के, ठीक है ना। खुल जा खुल जा, निकल जा निकल जा, ये खोला, ये बोला भाई, हाँ कोई नजदीक कितने का होगा, ये जब पहनूंगा तब पता चल जाएगा। तो अभी मैं रेडी होना चाह रहा हूँ, मैंने मामा के साथ कहीं जाना है, तो उसके बाद मिलते हैं आपको दोस्तों के साथ, बहुत हैवी सीन है, तो उस टाइम बताएंगे आपको, तब के लिए। तो जी गाइस मैं मामा के साथ चले गया, तो बहुत टाइम लग गया यार पार्लर में, मैं बैठ बैठ के वहाँ पर थक गया, कभी मैं कुछ खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा, बोतलें पी रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा हूँ, मैं तो वहाँ पे थक गया था। आज का मेरा इंट्रो इतना ख़राब हो गया, मैंने ऐसा प्लान किया हुआ था यार कि आज फर्स्ट ब्लॉग इतना अच्छा एक्सपीरियंस रखना है, इतना अच्छा ब्लॉग बनाने के लोगों को अच्छा लगे, तो आज का ब्लॉग इतना ही था बस, आज के लिए मुझे इजाज़त दें, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय। सब्सक्राइब बना मत बोलना, ठीक है सब्सक्राइब बनना, सब्सक्राइब तो ठोक दो यार भाई के लिए, थोड़ा तो बनता है, सब्सक्राइब करो लाइक करो। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, तब के लिए मिलते हैं बाय नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।